तो फ्रेंड्स, आज मैं द कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर मूवी आपको एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली मार्वल की ये चौथी मूवी है और बाकी मूवीज़ को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में आर्कटिक की बर्फीली चट्टानों में साइंटिस्टों को एक ओल्ड एयरक्राफ्ट मिलता है। अब उसके अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड मिलती है। अब इसके बाद कहानी 1942 की शुरू होती है। अब वहाँ पर एडोल्फ हिटलर का एक खास आदमी जोहान, जो उसके लिए हथियार बनाया करता था, अब वो हाइड्रा टेररिस्ट ग्रुप का कमांडर भी होता है और वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को ढूंढने के लिए अपनी आर्मी के साथ चर्च में जाता है। जोहान को वैसे तो हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि जो जिसे उसने ढूंढा है वो फेक है। अब इसके बारे में वो चर्च के फादर से पूछ रहा होता है। चर्च के फादर कहते हैं कि जो कुछ भी तुम जानते हो तुम उसके लायक नहीं हो, ये तुम्हारी चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती, तुम इस पावर को कंट्रोल कर ही नहीं पाओगे क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल है। अब इधर उधर देखने पर उसे दीवार पर एक बटन नज़र आता है जिसे वो प्रेस कर देता है और प्रेस होने के बाद में वहाँ पर एक ब्लू रेज निकलती है, एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर, अब एक्चुअली इसके अंदर टेसरेक्ट होता है। अब टेसरेक्ट क्या है इसे हम मूवी में आगे जानेंगे। और वैसे तो इस टेसरेक्ट के अंदर देवीय शक्तियाँ भी होती हैं। अब जोहान वहाँ के फादर को मार देता है और टेसरेक्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। कहानी यहाँ से एक साल आगे 1943 में शिफ्ट होती है, जहाँ हमें स्टीव रॉजर्स नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो आर्मी ज्वाइन करना चाहता था, अपने देश के लिए मर मिटना चाहता था। उसमें देशभक्ति की भावना बहुत ही ज़्यादा जुनूनी होती है। अब चारों तरफ तो वर्ल्ड वॉर 2 का माहौल होता है, लेकिन जब हर बार उसे आर्मी से रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इससे उसे काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है। अब क्योंकि उसे इसीलिए रिजेक्ट किया जाता था क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होती है, उसे कुछ डिसीजेज भी होती हैं जिसकी वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब स्टीव रॉजर्स जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, तो वहाँ पर वो अपने दोस्त बकी से मिलता है जो ऑलरेडी उसमें फ़ौज में होता है। अब बकी उसे कहता है कि एक एग्जीबिशन लगी हुई है जहाँ हमें जाना चाहिए, जहाँ फ्यूचर रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हावर्ड स्टार्क यहाँ पर दिखाए जाते हैं जो कि टोनी स्टार्क के फादर होते हैं। अब यहाँ पर उन वो लोग देखते हैं कंपनी की उड़ती हुई कार भी है। तभी स्टीव वहाँ से आगे जब बढ़ता है तो उसे एक ऐड दिखाई देता है जहाँ वो उसे देखकर सोचता है कि काश मैं भी आर्मी ज्वाइन कर पाता। तभी बकी पीछे से आता और कहता है कि तुम ये सपना देखना भूल जाओ क्योंकि तुम्हें कई बार रिजेक्ट किया जा चुका है। स्टीव कहता है कि हमारे सैनिक हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कितना कुछ कर रहे हैं और मुझे भी तो अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ तो कोई बात नहीं। अब उसके पीछे से एक साइंटिस्ट जिसका नाम अब्राहम होता है वो स्टीव की बातें सुन रहा होता है। अब स्टीव ज्वाइनिंग के लिए अंदर जाता है, वहाँ वो उसका मेडिकल हो रहा होता है। तब नर्स जो है वो साइंटिस्ट से कहती है कि ये स्टीव कई बार पहले भी आया है लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया है और वो हर बार मेडिकल में फेल हो जाता है। अब इसके बाद वहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं। अब स्टीव को लगता है कि उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। अब वो साइंटिस्ट स्टीव की बातें जिन्होंने सुनी थी, वो जिनका नाम अब्राहम होता है, वो वहाँ पे आते हैं। अब वो साइंटिस्ट स्टीव से बात करते हैं तो स्टीव जो है वो कहता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन मुझ में कुछ कमियाँ हैं जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं हो पाता हूँ। अब यहाँ पे स्टीव जो है डॉक्टर अब्राहम को अपने बारे में झूठ बोलता है। तब साइंटिस्ट कहता है कि अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। स्टीव कहता है कि हाँ मैं ब्रुकलिन से हूँ, मैंने 5 बार इसको आर्मी ज्वाइन होने की कोशिश की है। डॉक्टर अब्राहम उसे मेडिकल में पास कर देते हैं और वो अब सोल्जर बन जाता है। लेकिन फिर भी वो अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो फिजिकल सारी एक्टिविटीज होती हैं उनमें पीछे रह जाता है। अब अगले दिन जब सबकी ट्रेनिंग चल रही होती है तो डॉक्टर अब्राहम यहाँ आते हैं। वो कर्नल को बताता है कि मैंने स्टीव को सुपर सोल्जर सीरम प्रोग्राम के लिए चुन लिया है। ये सुनकर वहाँ पे सब उसे शॉक लग जाता है। वो कहता है कि अगर हम उसके हाथ में वो सीरम लगाते हैं, इंजेक्शन लगाएंगे तो वो निकल जाएगी क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। इस काम के लिए मेरे पास एक और लड़का है जिसमें कई सारी खूबियाँ हैं। अब डॉक्टर अब्राहम कहते हैं कि नहीं, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास केवल शारीरिक खासियत ना हो बल्कि उसके अंदर देशभक्ति की भी भावना हो ताकि मेरा जो सीरम है वो किसी गलत हाथों में ना जाए।
उसका फायदा सही इंसान को मिले, मैं ऐसा चाहता हूँ। फिर कर्नल सभी सिपाहियों के बीच में एक ग्रेनेड फेंक देते हैं। अब सभी इधर उधर भागने लग जाते हैं, लेकिन अपने साथियों को बचाने के लिए स्टीव ग्रेनेड पर कूद पड़ता है और सभी को जाने के लिए कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वहीं सिपाही को दिखाया जाता है जिसे कर्नल सुपर सोल्जर प्रोग्राम के लिए चुनना चाहता था। अब सबको यकीन हो जाता है कि स्टीव भी हमारे इस प्रोग्राम का हकदार है। अब जोहान को दिखाया जाता है जो अपने साइंटिस्ट के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। उन्होंने एक ऐसी मशीन को बनाया होता है डिसरेक्ट के साथ जोड़ा जाता है। ये टेस्टरेक्ट वही है जो फादर को मारकर उसने हासिल किया था। टेस्टरेक्ट जो है इस मशीन में बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और इससे देखकर वो जोहान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब जोहान का साथी कहता है कि ये जो टेस्टरेक्ट है इसकी एनर्जी से हम अपनी जितने भी शिप हैं उनको बहुत सारे दिनों तक ऊर्जा दे सकते हैं और इससे हम पूरी तरीके से युद्ध में जीतेंगे ही जीतेंगे क्योंकि हमारी युद्ध की रणनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब वहीं पर जो पैगी कार्टर होती है, स्टीव की सीनियर भी है, वो उसे ब्रुकलिन में लेकर आती है जहाँ डॉक्टर अब्राहम होते हैं और जहाँ पर सुपर सोल्जर कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है। यहाँ हार्वर्ड स्टार्क भी होते हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक मशीन बनाई होती है। अब स्टीव की बॉडी के अंदर सीरम डाला जाता है, फिर उसे हार्वर्ड द्वारा बनाई हुई इस मशीन में डाल दिया जाता है। उसके शरीर पर बहुत सारी बीटा रेज निकलने लगती हैं और धीरे धीरे उसका परसेंटेज बढ़ाया जाता है और जब वो परसेंटेज 70% तक पहुंच जाता है तो यहाँ मशीन में से चिंगारियाँ निकलने लगती हैं और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। डॉक्टर अब्राहम उस मशीन को बंद करने के लिए कहते हैं लेकिन फिर अंदर से स्टीव कहता है कि नहीं नहीं रुको मत, मैं इसे सह सकता हूँ और इसकी स्पीड को 100% तक बढ़ा दो। फिर हार्वर्ड जो होते हैं वो 100% तक मशीन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। अब कुछ टाइम बाद मशीन अपने आप बंद हो जाती है और जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर से स्टीव निकलता है और जो स्टीव होता है पूरी तरीके से बदल जाता है। उसकी बीमारी, उसकी डिसेबिलिटीज जो कुछ भी होती हैं वो पूरी की पूरी ठीक हो जाती हैं। जो पहले बिल्कुल एकदम दुबला पतला सा लड़का होता है अब उसके पूरा शरीर का ढांचा ही बदल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि उनका सुपर सोल्जर सीरम पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा। अब ये देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब वहाँ पर जोहान का आदमी आता है और वहाँ एक ब्लास्ट करता है और सीरम की जो आखिरी ट्यूब होती है उसको लेकर भाग जाता है और वो वहाँ पर डॉक्टर अब्राहम को गोली मार देता है और यहाँ से भाग जाता है। तभी डॉक्टर अब्राहम जो होते टीम के सामने मर रहे होते हैं तो अब्राहम कहते हैं कि नहीं अब तुम कोई कमज़ोर इंसान नहीं हो, जाओ और जाकर उसे पकड़ो। फिर स्टीव उसका पीछा करता है और पहले उसे दौड़ने में जो परेशानी होती थी अब वो उसे बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम की वजह से ही होता है। अब वो कार से भी तेज़ दौड़ता है। अब वो आदमी जो होता है वो उस आदमी तक पहुंच जाता है और वहां पर उससे सीरम टूट जाता है। अब स्टीव उससे पूछताछ करने की कोशिश तो करता है लेकिन उससे पहले ही वो साइनाइड को खा लेता है और मरने से पहले वो कहता है हाइड्रा की जय हो, ये कहकर वो मर जाता है। अब स्टीव को दिखाया जाता है, वहाँ पर सब लोगों की मीटिंग चल रही होती है। वो लोग सोचते हैं कि सीरम की तो आखिरी बोतल भी टूट गई है, अब हम बाकी के सारे सोल्जर कैसे बनाएंगे और उनके पास कोई और सैंपल है भी नहीं और साथ ही साथ डॉक्टर अब्राहम भी मर चुके हैं। अब पैगी कार्टर स्टीव से कहती है कि डॉक्टर अब्राहम के बिना तो सीरम बनाने में सालों लग जाएंगे। वहीं हार्वर्ड को देखते हैं जो कर्नल और सीनियर्स को बताता है कि वो अब सुपर सैनिक अब नहीं बना सकते, उनके पास पहले और आखिरी सुपर सैनिक सिर्फ और सिर्फ स्टीव रॉजर्स ही हैं। स्टीव ने जोहान के आदमी को जिस तरीके से पकड़ा और वो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। अब हमें स्टीव को कैप्टन अमेरिका के रूप में तैयार करना होगा। अब यहाँ उसको एक ड्रेस मिल जाती है। अब उसे एक शो में भेजा जाता है जहाँ वो पब्लिक से युद्ध बॉन्ड खरीदने की अपील करता है ताकि सरकार के पास फंड आए और वो वॉर के लिए काफ़ी सारे वेपन्स वगैरह खरीद सके, लेकिन स्टीव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब इसके बाद उसे एक और जगह भेज दिया जाता है जहाँ पे बटालियन होती है। वहाँ ये सब स्टीव का खूब मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक नौटंकी से ज़्यादा और कुछ नहीं लग रहा होता है। अब इससे बहुत ज़्यादा दुखी होता है स्टीव क्योंकि वो तो यहाँ एक सैनिक बनना चाहता था और अपने देश की मदद करना चाहता था, ये सब कुछ करने का तो उसने सोचा ही नहीं था। अब शो के बाद पैगी कार्टर उसके पास आती है और कहती है उसका दोस्त बकी जो बटालियन में था उसे हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन पर अटैक करने के लिए भेजा गया था लेकिन सब मारे गए और जो बचे थे उन्हें हाइड्रा ने अपना प्रिजन बना लिया है। स्टीव अपने सीनियर के पास जाता है, उसका सीनियर कहता है कि हम उस जगह पे अटैक नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे एनिमीज द्वारा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है।
अगर हम अपने सारे सोल्जर्स को वहां भेजते हैं तो हम अपने कई सारे सोल्जर्स को खो देंगे। लेकिन स्टीव अपने दोस्त बकी को बचाना चाहता था और वो पैगी की मदद से प्लेन को इस जगह पे छोड़ देता है और यहाँ से प्लेन से कूदता है और वहां पर पहुंच जाता है। ये हाइड्रा की एक लैब होती है जो बेहद यूनिक वेपन से लैस होती है और ये सारे के सारे वेपन टेस्ट्रेक की एनर्जी से ही चल रहे होते हैं। स्टीव रॉजर जो कैप्टन अमेरिका है वो बकी को ढूंढ भी लेता है जिसकी बॉडी पर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अब वो बकी के साथ निकलता है। जब जोहान को पता चलता है तो वो अपने जो सारे अड्डे होते हैं उनको तबाह कर देता है और जोहान उसके सामने आता है। वो वहाँ पे अपना जब मास्क उतारता है तो उसके पीछे जो उसका चेहरा होता है बिल्कुल लाल हड्डी की तरह होता है। अब यहाँ पे इसी की वजह से इसका नाम रेड स्कल पड़ा होता है और ये एक्चुअली में पहले डॉक्टर अब्राहम के साथ ही काम करता था। अब उसका सीरम जो होता है पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था और उससे पहले ही उसने अपने बॉडी के अंदर इसे इंजेक्ट कर लिया था जिससे उसमें ताकत तो आ गई थी लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी हुए थे। उसी की वजह से इसका चेहरा पूरी तरीके से ख़राब हो गया था और अब उसका चेहरा सिर्फ एक लाल खोपड़ी से ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे वो अपने साइंटिस्ट के साथ निकलकर भाग जाता है और यहाँ स्टीव रॉजर्स जो होते हैं वो अपने दोस्त बकी को और बाकी सारे सोल्जर्स को लेकर अपने साथ चले आते हैं, अपनी छावनी में आ जाते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद उनका बहुत जोरों शोरों से स्वागत होता है क्योंकि उन्होंने काम ही इतना काबिले तारीफ किया था। अब कर्नल उसके काम से बहुत खुश होता है क्योंकि उसे उस पर विश्वास था नहीं लेकिन फिर भी उसने ये कर दिखाया और इस काम को होने के बाद में कर्नल को स्टीव पे पूरा भरोसा हो जाता है। अब स्टीव पैगी कार्टर को बताता है कि जब मैं हाइड्रा के बेस पर गया तो मैंने वहाँ पर कुछ मैप देखे थे जिन पर कुछ साइन भी थे और मुझे ऐसा यकीन है कि ये हाइड्रा का टारगेट है जहाँ पे वो अपने वेपन्स बनाते हैं और उन पर अटैक करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनसे पहले मैं ही अटैक कर दूँ। अब वो कर्नल के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं उस टीम के साथ वापस वहाँ पर जाना चाहता हूँ जिसे मैंने बचाया है। इसके बाद हार्वर्ड उसे बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल धातु वाइब्रेनियम से बनी है, ये ज़्यादा यूनिक है। ऐसा मान लो कि जितने जब तक ये तुम्हारे हाथ में है सारी की सारी पृथ्वी की पावर तुम्हारे ही पास है और अभी ये कैप्टन अमेरिका की शील्ड बन जाती है और इसे लेकर वो अपने साथियों के साथ एक मिशन पे जाता है जहाँ वो हाइड्रा के काफ़ी सारे ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब कैप्टन अमेरिका पैगी कार्टर से बात कर अब कैप्टन अमेरिका जोहान्स बायोकेमिस्ट डॉक्टर जोला को पकड़ने के लिए जाता है। वो ट्रेन से कहीं जा रहा था, कैप्टन अमेरिका अपने सभी साथियों के साथ ट्रेन के अंदर कूच कर जाता है। वो जोला को पकड़ लेता है लेकिन उसका दोस्त बकी ट्रेन के बाहर गिर जाता है। कैप्टन ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश तो बहुत की लेकिन बकी का हैंडल टूट जाता है और वो गहरी खाई में गिर ही पड़ता है। डॉक्टर जोला को पकड़ लिया जाता है। अब वो रिवील करता है कि रेड स्कल पूरी दुनिया में बम गिराने वाला है जो लगभग लगभग पूरी दुनिया को ख़त्म ही कर डालेगा। कैप्टन अमेरिका अपने सैनिकों के साथ रेड स्कल बेस पे पहुंच जाता है जहां इतने डेंजरस वेपन होते हैं। अब जो रेड स्कल होता है अपने वेपन्स को टेसरेक्ट के साथ प्लेन में लेकर जाता है। फिर कैप्टन अमेरिका जो होता है पैगी की हेल्प से उसके प्लेन तक पहुंच जाता है और अब कैप्टन अमेरिका और रेड स्कल के बीच में एक डेंजरस लड़ाई होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा इनकी फाइट देखने को मिलती है। अब इस फाइट के बीच में कैप्टन अमेरिका अपनी जो शील्ड होती है वो रेड स्कल की ओर फेंक देता है। वो जो शील्ड होती है मशीन से टकरा जाती है जिसके अंदर एक टेसरेक्ट होता है। टेसरेक्ट बाहर आ जाता है। अब रेड स्कल टेसरेक्ट को पकड़ लेता है। अब जो टेसरेक्ट होता है उसकी एनर्जी से स्पेस में एक होल बनता है और रेड स्कल जो है वहाँ पर गिर जाता है। अब कैप्टन अमेरिका जो है उस प्लेन को कंट्रोल करता है लेकिन वो समझता है कि इसे कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता, इसमें तो सारी गड़बड़ हो चुकी है। तब वो पैगी कॉटर को रेडियो पर बताता है कि वो न्यूयॉर्क जा रहा है और अगर वहाँ के लोगों को बचाना है तो मुझे इस प्लेन को क्रैश करना होगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हथियार और बम गोले हैं जो कि पहले से ही टाइम लगाकर फिक्स कर दिए गए हैं। अगर मैं इस प्लेन को कहीं और लेकर नहीं जाकर नष्ट करूंगा तो यहाँ काफ़ी तबाही मच जाएगी। तो पैगी कार्टर उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो उसे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी, वो उसकी दोस्त होती है। लेकिन कैप्टन अमेरिका अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देता है। वो उसे आर्कटिक में ले जाकर प्लेन को क्रैश करने का डिसीजन लेता है और थोड़ी देर बाद पूरा प्लेन जो है बर्फ़ में ढक जाता है। अब इस मूवी की कहानी में
जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वही सीन देखने को मिलता है। हार्वर्ड स्टार्क को टेसरेक्ट मिलता है तो वो सोचता है कि अगर टेसरेक्ट हमें मिल सकता है तो कहीं ना कहीं कैप्टन अमेरिका भी जिंदा हो सकता है, और क्योंकि उन्हें शील्ड मिल चुकी थी तो इससे वो पक्का सोच ही लेते हैं। अब उस बर्फ में जमे हुए प्लेन में से वो शील्ड के साथ साथ वहां से कैप्टन अमेरिका को भी बाहर निकाल लाते हैं। अब हमें पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका की जो आंखें हैं वो अस्पताल में खुलती हैं। अब एक नर्स उसके पास आती है, कैप्टन अमेरिका उससे पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो उससे कहती है कि तुम एक हॉस्पिटल में हो और ये न्यूयॉर्क है। अब वो वहां से बाहर आता है क्योंकि उसे पहले ही डाउट हो चुका था, तो वो बाहर आकर देखता है कि पूरी दुनिया जो है बदल चुकी है, और फिर ये देखकर उसे काफी ज्यादा हैरानी होती है। तब उसके सामने निक फ्यूरी आता है और वो उससे कहता है कि आज से 70 साल पहले तुम्हारा जो प्लेन जो है जिसके साथ एक हादसा हुआ था, तुम 70 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहे थे और तुम्हें हम जीवित वहां से निकाल कर लाए हैं। हम तुम्हें ये सब कुछ बताने वाले थे लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही ज्यादा तेज है कि तुमने झट से ये सब कुछ समझ लिया। और फिर हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी कैप्टन अमेरिका के पास आता है और उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास मिशन है, और फिर मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आज की ये मूवी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को और हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।